कृष्ण रसोई रसोई घर में बात मत करो। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे ये दामोदर अष्टक का तृतीय श्लोक है, इसलिए गुरुदेव ने बड़े विस्तृत रूप में गुरुदेव ने व्याख्या किया है और बड़े मधुर मधुर रसयुक्त प्यारी प्यारी गुरुदेव ने कथा भी सुनाई। इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे इति ध्री की सलीला विरानंद कुंडे शोभ समाख्यादम। कृष्णा बड़ी प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीलाओं को तरह संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने डूबो करके रखे थे। इसलिए गुरुदेव किसी विषय पर बहुत बहुत कथा सुनाए, इतने कथा गुरुदेव ने सुनाए जिसका कोई अंत नहीं। गुरुदेव ने इतने कथा सुनाए, इसलिए अभी तक हम कथा को श्रवण कर रहे थे। आज हम लोग जो चौथा नंबर श्लोकों को आज हम लोग को श्रवण करेंगे। बोले परम देव मोक्षम नमोक्षावधि ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी, जिनका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं होते हुए भी, लेकिन मैया यशोदा के प्रेम में कृष्ण जैसे बंध गए और मैया यशोदा कैसे कृष्ण को डांटती है डपटती है उनको प्यार भी करती है उसकी है। अभी उन्होंने ये सब लीलाओं को जैसे जैसे लीलाओं को दर्शन कर रहे हैं उसी अनुरूप उन्होंने ये श्लोकों को वर्णना करते हुए जा रहे हैं। इसलिए अभी चौथा श्लोक में यहाँ पर कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि को कृष्ण कह रहे हैं अभी बताओ तुमको क्या जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, तुम जीवन में चाहते हो क्या, तुम्हारी क्या लक्ष्य है। जब प्रश्न करते हैं तब वो कहते बोले प्रभु तथा परम देव मोक्षम न मोक्षा बधिवा न चाहम बरे साधतियो। कहते हे प्रभु हे देव आप कौन हो। बोले बरसात अपी हो, मतलब जगत में जितने बर देने वाले हैं उसमें आप सर्वश्रेष्ठ बरदाता है। अब शंकर जैसे रावण ने उपासना किया ब्रह्मा को, हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा को उपासना की, लेकिन जब उन्होंने अमर बर मांगे ना बोले भैया मैं स्वयं अमर नहीं तेरे को अमर बर दे सकता है, तब उन्होंने घुमा फिरा करके उन्होंने बोले हम किसी तरह से अमर बर चाहते हैं, दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा ऊपर में नहीं नीचे में नहीं किसी ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ प्राणी में नहीं। जितने उन्होंने मृत्यु का कारण था सब को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन भगवान का जो बुद्धि है ना सबसे ऊपर है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है। इसलिए कहते प्रभु जगत में जितने बरदाता है लेकिन आप कौन हो, सर्वश्रेष्ठ बरदाता। इसलिए जब ध्रुव जी को दर्शन दिए कृष्ण नारायण भगवान क्या बोले, जो इच्छा मांग लो, जो इच्छा तो मेरे से मांग लो, जो मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब हृदय में भगवत भक्ति प्रकट हो जाए ना फिर तो उन्होंने इधर उधर का भर नहीं मांगते हैं, इधर उधर का भर नहीं, तभी वे भगवान की प्रेमी उनकी सेवा और उनकी भक्ति प्रार्थना करते तभी भगवान दर्शन देते हैं, उसको पहले कृष्ण दर्शन नहीं होता है। इसलिए जब ध्रुव जी को बोले बर मांगो क्या कहते हैं, बोले प्रभु स्थानाभिलाषी तपस स्थित त्वाम प्राप्तवान देव मुनि द्रगुजम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि परम ध्यान। उदाहरण देते हैं अगर कोई कांच के टुकड़े को ढूंढ रहा है
लेकिन ढूंढते ढूंढते उसको पार समय मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए। जगत में से कौन बेवकूफ होगा जो कि चिंतामणि पार समय छोड़ करके टूटे फूटे हुए कांच को ग्रहण करेगा। हाँ, मैंने जब भजन करने के लिए आया था उसी समय में हृदय में मेरे अंदर में भावना थी मैं राजा बनूंगा, मैं बड़ा बेटा हूँ, राज्य मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे राज्य को छोटा मिल कर चले गए। और मैं बड़ा, मेरी माँ बड़ी माँ वो राजमाता पद उससे मिलनी चाहिए, लेकिन राजमाता पद अभी किसको मिल रहा है, छोटे मैया को। मैं राजा बनूंगा और माँ को राजमाता बनूंगा, इस लोभ से आया था। लेकिन जब भगवत दर्शन हुआ ना, उसका हृदय की सारी इच्छाएं सारी कामना खत्म हो गया उसका हृदय से। है तो प्रभु अभी देव मुनिद्र बुझ्यम, आपका जो चरण कमल है देवता और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ये दुर्लभ चरण हमें मिला प्रभु, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर देना तो भक्ति मोह प्रभु बताम, तो ही वे प्रसंग भुआ धन तमताम मंगला शयन। अगर देना चाहते हो अपने भक्तों का संग दो। जो मेरा दर्शन हो क्या भक्त संग क्यों चाहते हो? बोले आप तो आपका कथा नहीं सुनाओगे ना, आपकी कथा कौन सुनाएगा? आपकी कथा तो आपका भक्त लोग ही आपकी कथा सुनाएंगे। इसलिए भक्तों की बुखार बिंद से आपकी कथा की मंदाग्नि की जो नदी रहती है, अगर उसमें कोई गोता लगाते रहे ना, तो वहां पर विश्वनाथ को ठाकुर कहते हैं कि जो माया बड़ा बलवती है, दैवी जैसा गुणों में ही मम माया, ये माया को पार करना ब्रह्मा शंकर नारद इनको भी छक्का छुड़ा दिए माया ने। लेकिन माम एवं जे प्रपंच माया के काम धरते थे। यहाँ विश्वनाथ जी कह रहे हैं जब जब भक्तों का जब संग हमें मिलेगा, भक्तों का संग से जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, तब वो आस्फलन आस्फालन करते हुए कहता है, कहते माया हमारी कुछ भी नहीं कर सकता है, माया हमारी कुछ भी नहीं कर सकता है माया है। क्यों? हमें यदि भगवत भक्तों का संग अगर हम मिल जाए, ऐसे रस्सी के ब्रजजन भक्तों का अगर संग मिल जाए, उनकी अगर कथा सुनने को मिल जाए ना, ये माया हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। ये माया को हम आसानी से ही माया को हम दमन कर सकते हैं। इसलिए बोले कृष्ण रस भवितावती क्रियता कुतर यदि लभ्यते तत्र लौल्यमूल्यमेकलंकुटी सुकृते अपि न लभ्यते। हैं, इसलिए अगर ऐसे हमें कृष्ण रस भवितावती अगर भक्त हमें मिल जाए, इसलिए कहते प्रभु आप कौन हो? बोले वर देश। तो जगत में जितने वर देने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ वरदाता हो। हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वरदाता, इसलिए जो मांगोगे तो वही प्रदान करें। कहते बताओ फिर मांगते हो क्या, तुमको क्या चाहिए सुनो? तो वो कहते हैं बोले प्रभु हमें ये मोक्ष हमें नहीं चाहिए, मोक्ष हमें नहीं चाहिए। जगत में जो साधारण लोग हैं धर्म अर्थ और काम तक जाते हैं, भगवान अगर दर्शन करते लोग क्या मांगेंगे? हमें धर्म करना, अर्थ कमाना, उसको द्वारा हमें स्वर्ग जाना और रंभा और बस मेरे काम को साथ में भोग करना, स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य भोग, उसको पर लोग और कुछ जानते नहीं। इसलिए इसी जगत में कोई शरीर छोड़ना बड़े सामने स्वर्ग मिल गया, उनको पता स्वर्ग सबसे बड़ा स्थान, इससे बड़ा जगत में कुछ है नहीं। लेकिन भक्त लोग हैं, भक्त लोग स्वर्ग बोले स्वर्ग सबसे गद्दा स्थान है, उनका अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह है। इसलिए कहते प्रभु हमें मोक्ष हमें नहीं चाहिए। बोले मोक्ष क्यों नहीं चाहिए, कारण क्या है? इसलिए भागवत का जो दूसरा श्लोक है कहते धर्म प्रजीत दैतव अत्र। बोले ये श्रीमद् भागवत से ये जो धर्म प्रजीत कैतव अत्र, इसलिए ये मोक्ष को ये सबसे बड़े कपटता मानी गई, मोक्ष को सबसे बड़े कपटता मानी गई। बोले कपटता क्यों मानी गई? सारा दुनिया मोक्ष चाहते हमें मुक्ति मिल जाए, सारा दुनिया चाहते हमें मुक्ति मिल जाए, हैं कहते हमें मुक्ति मिल जाए सारा दुनिया चाहते, पर भक्त लोग फिर इसको घृणा क्यों करते हैं? कहते नरक बाछय तबु साजुज्य नाचाय। बोले भले ही हमें नरक मिल जाए, हम नरक जाने के लिए तैयारी है, लेकिन जो साजुज्य मुक्ति जो ब्रह्म साजुज्य है, जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाना चाहते हैं,
हमें ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले तुमको मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? सारा दुनिया तो मुक्ति 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 बोल करके चिल्लाते, तुमको मुक्ति क्यों नहीं चाहिए? बोले कारण है, जो जीव है जीवर स्वरूप है कृष्ण निकला, जिनका स्वरूप है कृष्ण का दासो तो करना ही, यही जीव का परम धर्म, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ नहीं। लेकिन मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में क्या होता है? कहते ये आत्यंतिक दुख निवृत्ति की मुक्ति। कहते मुक्ति में क्या होता है? ये जगत का तो दुख कष्ट खत्म हो जाता है, जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जो भगवान की जो सेवा शुभ है ना, कि भगवान की ये सेवा शुभ को प्राप्त नहीं होता है। वो जाकर के इसमें केवल अपना स्वार्थ है, मुक्ति क्यों चाहते हो? इसलिए बोले कारण है, संसार में दुख कष्ट है, जन्म मृत्यु दुख कष्ट, जरा व्याधि दुख कष्ट, मुक्ति हो जाएगा तो क्या होगा? ये दुख कष्ट से हमारी मुक्ति हो जाएगी है। लेकिन भगवान का क्या हुआ? बोले बोले भगवान भाड़ में जाएगा? भगवान भाड़ में जाए, भगवान से क्या मतलब है? हमें हमें ये संसार से हमें मुक्ति चाहिए, संसार से है हमें मुक्ति चाहिए। इसलिए इसको सबसे बड़ी कपट मानते हैं, ये मोक्ष सबसे बड़े, इसको सबसे बड़ा कपटा मानिए। क्यों? जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य सेवक है, हम उनके दासों को प्राप्त करना, उनका सेवकाई करना। इसलिए भक्त लोग कहते हैं नरक बांचाई तब साधु नाचाई, भले ही नरक हो जाएगा, नरक से तब तक मुक्ति तो मिलेगी, नरक से फिर तो भक्तों का संग मिलेगा, फिर भक्तों का संग से भक्ति करेंगे तो फिर ठाकुर को सेवा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर ये ब्रह्म साधु जी अगर जीव को प्राप्त हो जाता है, वह चिरकाल के लिए उसमें एकदम लीन हो जाता है, जीव का सत्ता भी खत्म हो जाता है, फिर सेवा सेवा कुछ नहीं रहता। इसलिए कहते धर्म प्रजीत कई कवत्र, इसलिए मोक्ष को सबसे बड़ा कपटता ये मोक्ष को मानी गई। इसलिए भक्त लोग कभी मुक्ति नहीं चाहते हैं। इसलिए कि क्या चाहते हैं? प्रभु तुम्हारी सेवा। हनुमान जी का जो बोले क्या चाहते हो? बोले बार बार बरमा गऊ हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायी भक्ति सदा सतसंग, हमें अनुपायी भक्ति भक्तों का संग अपनी सेवा चाहिए। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं? न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश कामय मम जन्म ही जन्म निश्वरे भवता भक्ति अहे तो वही प्रभु, हमें ये धन ज्ञान पुत्र परिवार नहीं चाहिए, आपकी चरण में हमें अहितु की भक्ति हमें प्रदान करो। इसलिए सबके सब भक्त, इसलिए कहते श्री वित्रासुर जब भगवान को स्तुति कर रहे तो वो क्या कहते हैं? बोले न नाथ प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम समंजस्यतम विरहय कांकर। इसलिए वित्रासुर को जो भगवान बोले बोलो तुम चाहते हो क्या? तुम क्या चाहते हो? बोले न नाथ प्रेष्टम स्वर्ग दे दो, सारा दुनिया स्वर्ग जाना चाहते, रूपा उर्वशी मेनका कितने सुंदरी सुंदरी स्त्रियां हैं, वहाँ नंदन कानन में रहोगे, वहाँ पर हरिजा पुष्प है, एक पुष्प में सब कुछ वहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग चाहिए? बोले नहीं प्रभु, हम ननाथ प्रेष्टम। बोले अगर स्वर्ग नहीं चाहते हो, सबसे जो ब्रह्मांड का सबसे जो उच्चा लोग है ब्रह्म लोग है, ब्रह्म लोग ले लो। बोले नहीं ननाथ प्रेष्टम न जपार मृष्टम, तो ब्रह्मा पद भी नहीं चाहिए। बोले अगर ब्रह्म पद को नहीं चाहिए तो रसातल में उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य रसातल, रसातल में ले लो। बोले नहीं, बोले संपूर्ण पृथ्वी का राजा मर लो। बोले नहीं, बोले मोक्ष ले लो। बोले नहीं, बोले फिर चाहते हो क्या? सब नहीं नहीं बोल रहे हो। बोले प्रभु हमें एक ही चाहिए, जैसे भक्त लोग हर समय आपका विरह में है, जैसे ये ब्रजवासी जैसे विरह में दिन रात जैसे उसमें डूबे रहते हैं, हैं हर समय तुम्हारे चिंतन में ये मन को डूबो देते हैं, हमें ये विरह चाहिए, हमें ये विरह को प्रदान करो। और उन्होंने बोले विरह की तो बहुत तरह का है ना, तुम कैसे विरह चाहते हो?
तो उन्होंने बोले अजात पक्ष एवं मातरम कुला। उन्होंने पहला उदाहरण दिया जैसे अभी अभी चिड़िया ने अंडा को फोड़े, अभी पक्षी का पंख भी नहीं उगे हैं, उसको माँ क्या करता है, उसको घोंसला में छोड़ करके वो दाना चुनने के लिए चला जाता है। लेकिन जो चिड़िया बड़े भीतू रहता है, बड़ा डरता हुआ, बोले क्यों, उसी समय बिल्ली भी खा जाता है, कोई बाज पक्षी भी उसको खा जाता है, इसलिए वो डरता हुआ रहता है, हैं? अगर थोड़ी सी खड़खड़ शब्द हो ना तो चो 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 करने लग जाता है, क्या मेरा मैया आ गया, क्या मेरी मैया आ गई मेरी, हैं? इसलिए जैसे हर समय वो पंख जिसका उगा ही नहीं, जैसे वो चिड़िया हर समय अपना माँ 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 की चिंतन करता है, ऐसे प्रभु हमें हर समय आपको मैं चिंतन करते रहो, आपको मैं चिंतन करते रहो। फिर उन्होंने देखा बोले यही विरह क्या चाह रहे हो ऐसे, बोले नहीं नहीं इसमें भी स्वार्थ है, बोले क्यों, वो चिड़िया इसलिए माँ की चिंतन करता है, माँ आ करके मेरे को दाना खिलाए, मेरे को आहार दे, इसलिए चिंतन करता है। इसका मतलब माँ को चिंतन नहीं करता है, किसको चिंतन कर रहा है, वो दाना मेरे को भोजन खिलाएगी इसलिए वो चिंतन कर रहा है। बोले ऐसे क्या विरह, बोले नहीं इसमें स्वार्थ है, हमें ऐसे विरह नहीं चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण दिया बच्चा उदाहरण था, जैसे एक बछड़ा, जैसे माँ उसको बछड़े को छोड़ करके चली जाती है घास चरने के लिए, घास खाने के लिए। अभी वो बछड़ा क्या करता है, शाम को माँ आएगी, शाम को घास खा करके चर करके, ये जो बछड़ा दिन भर हम्बा 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 दिन भर देना माँ 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 बोलता रहता है, माँ कब मेरे को दूध पिलाएगी, कब माँ आकर के मेरे को दूध पिलाएगी। आप लोग देखे हो बछड़े को, जब देखता है माँ आ जाए ना, आप बछड़े को आप रस्सी खोल नहीं सकते, इतने तेजी से भागने का कोशिश करता है, रस्सी खोलना भी कठिन हो जाता है। फिर बछड़े को जब खोलो ना, फिर बछड़ा जाकर के अपना थन में अपना सर को मारने लग जाता है, पूछ खड़ा कर देता है, और उसका जो माँ उसको चाटने लग जाती है, माँ उसको चाटने लग जाती है, जब चाटती है ना उसका हृदय में जब बात्सल प्रेम उमड़ती है, तभी गैया की दूध निकलता है, नहीं तो गैया का दूध नहीं निकलेगा, बछड़े के बगैर वो सहज में दूध नहीं देता है। कैसे कहते प्रभु, जैसे बछड़ा दिन भर जैसे हम्बा हम्बा मा 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 दिन भर जैसे माँ की चिंतन करता है, दिन भर ऐसे तेरे विरह में दिन भर तेरे को मैं पुकारता रहा। फिर उन्होंने देखा इसमें भी स्वार्थ है, बोले क्या है, अब देखना जब बछड़ा दूध पी लेता है ना, बच्चा जब दूध पी लेता है फिर दो बार माँ को फिर कुदरते कुदरते रहेगा, खेलते रहेगा, और फिर खेलता रहेगा, फिर माँ की वो चिंता नहीं करता है। बोले क्या ऐसे ही चाहते हो, तब तक हम भगवान को पुकारेंगे जब तक भगवान हमें दूध नहीं पिला देते, और दूध पी लिया तो हो गया तुम्हारी, फिर खेलते कूदते रहो। उन्होंने कहा इसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ है, लेकिन उससे ये श्रेष्ठ है। बोले कार ने किया कि वहां पर जो माँ ने जो खाना लेकर के लाई, ये खाना और ये चिड़िया अलग है, खाना और चिड़िया अलग है, क्योंकि खाना अलग है उसको ला करके बच्चे को खिलाती है, लेकिन जो दूध है, कहती है दूध कहाँ से निकलती है, बोले माँ की जब हृदय प्रेम में उद्वेलित तो होता है, हैं, तब भी माँ के हृदय से दूध निकलता है, तो दूध नहीं निकलेगा। इसलिए ये दूध कोई अलग नहीं, हृदय द्रवीभूत तो होकर के जब वो वात्सल भाव से द्रवीभूत तो होता है, तभी गैया के अंदर से ये दूध तभी निकलता, नहीं तो दूध इसमें नहीं निकलेगा, इसलिए उससे ये थोड़ा श्रेष्ठ है। तब भी देखा ये भी स्वार्थ है, लेकिन उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया प्रिया प्रिय विश्वता दूसर, तो उसके एक उदाहरण दिए, बोले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, अभी पति को 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, जाना पड़ा, पत्नी को बोले देखो अभी मेरे को 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है। पत्नी बोलती है तुम बाहर जाओगे तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि जो सजिया लगाती हूँ किसके लिए, तेरे लिए, ये जो श्रृंगार करती हूँ किस लिए, तेरे लिए तो श्रृंगार करती हूँ, और ये जो रसोई बनाती हूँ किस लिए, बोले तेरे लिए। पत्नी जो कुछ करती है किसके लिए करती है, सब पति के लिए करती है, क्योंकि सब तो मैं तेरे लिए करता हूँ, अगर तुम चले जाओ तो मैं किसके लिए करूँगा, बोले मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, 10 दिन के लिए विशेष काम है,
बोले ठीक है, बोले मैं तो अनपढ़ी, पहले तो लिखी पढ़ी होती नहीं, अनपढ़ी होती थी, बोले मेरे को पता नहीं चलेगा आप कब आओगे। बोले देखो ये दीवार में 10 इसमें लाइन काट देता हूँ, जब एक एक दिन बीतेगा तुम एक एक लाइन को मिटाते रहे, जब एक लाइन रह जाएगा समझना दूसरे दिन आने वाला। जो पति चला गया बाहर, पत्नी क्या की है, पहले तो स्त्रियां तो पतिव्रता नारी होती थी, सती नारी होती थी, उसने सारे श्रृंगार को उतार कर रख दिया है। बोले किसके लिए श्रृंगार करूंगी, पति के लिए, पति तो घर में नहीं, जो बिस्तर सजाएगा फिर बिस्तर किसके लिए सजाऊंगी, उसके लिए तो सजाऊंगी, खाना किसके लिए बनाऊंगी, उसके लिए तो खाना बनाऊंगी, तब से खाना नहीं बनाती, किसी तरह से भोजन करके रहती है, घर में झाड़ू नहीं लगाती, श्रृंगार नहीं करती, और जब एक एक जो लाइन को ये बिठाते रहती, एक दिन चला गया एक लाइन बिठा दी, दूसरे दिन दूसरे, और जितना कम लाइन होता है ना उसको मन में उतना उत्साह, ओ 5 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 1 दिन रह गया, जो एक लाइन रह गया बस कल मेरे पति आएंगे। रात भर सोती नहीं है, रात भर घर को साफ करती है, बिस्तरा सजाती है, और उनको पता पति को क्या प्यारा है, वो बड़े सुंदर सुंदर पति के लिए बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाती है, बड़े सुंदर सुंदर उसने भोजन बनाए, भोजन बना करके रात भर सोई नहीं, गर्म पानी करके पति के लिए रख दिया, और रसोई बना करके घर को दरवाजे के सामने ऐसे राह देखी, पति आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। जब देखा पति आए, इतने प्रसन्न हो गई, पति को आते ही उनने चरण दिया, चरणामृत लिया, उनको स्नान करवाए और उनको पास में बैठा करके पंखा जलाए, हैं पहले तो ध्यान नहीं, पंखा जलाए, उसमें अलग प्रेम है, ध्यान में थोड़ी प्रेम है, पंखा में प्रेम है, क्योंकि अपने हाथों से पंखा जलाती है और बैठ बैठ करके दोना हैं खत्म होती, 2 बार भर देती है, जोर जबरदस्त को खाओ, बड़े दिन से खाना नहीं खाए होंगे, प्यार से खाओ, इसलिए बड़ी पति की बड़ी सेवा करती है। कहते हैं कैसे प्रेम होनी चाहिए, और जैसे कि प्रिया अपना प्रियतम के लिए व पत्नी पति के लिए जो उत्कर्ष खाए, जो वो करती है सब कुछ किसके लिए करते हैं, केवल अपना पति के लिए ही करती है और किसी के लिए नहीं करती है। बोले दिन भर उसको चिंता में जैसे डूबी रहती है, बोले प्रभु मैं भी ऐसे दिन रात भर केवल उनकी सेवा, उनकी चिंता, उनकी भक्ति में ही संपूर्ण मैं अपना मन को मैं डूब दूं। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें भी थोड़ा दोष है। क्या दोष है, ये जो जो पति है, पत्नी किसको पर निर्भर करती है, पति को, दिन भर पति काम करता है, ये जो सेवा करते हैं क्यों, पति की संपत्ति कमाता है ना, सारे तो सारे देने वाले ही, खाने देने वाले ही, सब कुछ देने वाले तो पति है, सब तो पति देता है ना, इसलिए तो पति के लिए दिन भर करती है, हैं पति के लिए करती है। बल्कि यहाँ पर भी ये स्वार्थ है, जो पति पत्नी का जो जो उदाहरण यहाँ पर भी, लेकिन उससे श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कमी है। लेकिन जो श्लोक में जो शब्द है ना प्रिया, प्रिय या पति पत्नी का उदाहरण ने दिया, प्रिया प्रियतम के लिए उदाहरण दिया, मतलब ये जो उदाहरण है ये ब्रज गोपियों के लिए भी ये उदाहरण है, ब्रज गोपियां, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है तो मेरे को थोड़ी खिलाते हैं, हम अपना हाथ से खाते हैं, हाथ से पहनते हैं, और तुमको हम सेवा करते बिना निःशुल्क दासिका है, इसलिए बगैर शुल्क के हम दासिका हैं, इसलिए हम अपना हाथ से सब कुछ करती है, ऊपर से हम तुम्हारी सेवा करती हैं, तुमसे हम कुछ भी नहीं लेते, तुमसे हम कुछ भी हम तुमसे नहीं लेते संपूर्ण रूप में, इसलिए जो उदाहरण है ये ब्रज गोपियों के लिए ही ये उदाहरण है। इसलिए ऐसे विरह हमारे हृदय में, ऐसे विरह हृदय में आए, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते नाम मोक्ष, कहते हमें मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों, मोक्ष सबसे, ये सबसे गंदा चीज ये मोक्ष है, इसलिए भगवान मुक्ति किसको दिए, जिन जिन राक्षसों को मारे है ना उनको मुक्ति दिया, जिसको मारे उनको भगवान के हाथों से मरने पर हतारी गति दायक, जिसको भगवान मारते हैं उनको ही मुक्ति प्रदान की,
इसलिए कभी कभी वैष्णव लोग ज्ञानियों के लिए कहते हैं बोलते राक्षसों का पद के लिए है भगवान जिन जिन राक्षसों को मारे उनको मुक्ति मिले और हम साधन भजन करेंगे राक्षसों की गति के लिए राक्षसों की गति प्राप्त करने के लिए साधन भजन करेंगे भगवान तो राक्षसों का आसानी से इसे मुक्ति पर दिया इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए। उसमें उदाहरण देते हैं मुक्ति क्यों करना उदाहरण दे जैसे कि चींटी जैसे गुड़ है हैं और गुड़ पतला पतला गुड़ है। अभी एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया ये चींटी गुड़ कब को कब आस्वादन करेगा जब अलग रहेगा अगर गया अगर गुड़ में लपट गया फिर तो गया गया उसका प्राणी खत्म हो गया है। गुरुदेव दूसरा उदाहरण देते थे सर में कोई फोड़ा हो गया बहुत दर्द करता है किसी डॉक्टर के पास में गए डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया दर्द करता है बोले सर है इसलिए तो दर्द कर रहा है ना इसलिए डरेगा बांस नब बजे के बाद फिर सर काट दो ये सर को काट दो सर को काट दो तो सर भी रहेगा फिर तुम कष्ट क्यों होगा तुम सर काट दो। लेकिन गुरुदेव उदाहरण देते और ये डॉक्टर के पास में गया बोले सर में फोड़ा हो गया बहुत दर्द होगा बोले कोई चिंता मत नहीं हम ऑपरेशन कर देंगे बैंडेज कर देंगे दबा दे देंगे थोड़ी सी कष्ट होगा एक दो दिन में सही हो जाओगे। कहते इसमें दोनों डॉक्टर में कौन सही डॉक्टर है जो सही डॉक्टर है जो कहते हैं ऑपरेशन कर देंगे दबा देंगे थोड़ी सी दर्द होगा सही हो जाओगे ये सही डॉक्टर है ना। इसलिए जो ज्ञानियों का जो मतवाद है भैया जब तक संसार में रहेंगे तब तक ये दुख कष्ट भोगना पड़ेगा इसलिए क्या करो बस ब्रह्म साजो जो ब्रह्म ज्योति नहीं अपना सत्ता को भीड़ कर दो बात हो गया मेरेगा बांस नवजी बात करे नहीं भक्त लोग ये नहीं चाहते भगवान को भूलने का वजह से संसार में आए इसलिए दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। फिर हम क्या करो गुरु वैष्णव के अनुगत में भगवान की भक्ति करो फिर सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगी फिर ठाकुर का नित्य सेवा में फिर हम ठाकुर के नित्य सेवा में अपने आप लग जाएंगे ठाकुर को और ठाकुर को नित्य सेवा में लगने पर अपने आप सुख दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु परम देव मोक्षम हमें मुक्ति नहीं चाहिए बोले मोक्षावधि कहते मोक्ष का जो अवधि कहती मोक्ष का अवधि क्या है तो गुरुदेव टीका में कहते हैं कहती कहते कहते एक प्रेम सेवा उतरा और एक है सुख ऐश्वर्य तरह। गुरुदेव दो चीज उदाहरण दिया एक सुख ऐश्वर्य तरह और एक है प्रेम ऐश्वर्य तरह दो चीज उसने उदाहरण दिया है। कहते जो सुख ऐश्वर्य तरह जो है जिसको ये लोग मुक्ति कहते हैं जिसको ये मुक्ति कहते हैं लेकिन कहते जो प्रेम ऐश्वर्य तरह ये क्या है इसको गुरुदेव कहते हैं जैसे पहले ये चतुष्ण पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे पहले ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन ये लोग ऐसे ही थे लेकिन जब उन्होंने एक समय वैकुंठ से जब भगवान की चरण तुलसी और चंदन का सुगंध जब प्रभावित होते हुए आया जब उनकी नासिका में प्रवेश किया एकदम ये उन्माद हो गए इतने सुंदर खुशबू था उन्होंने बोला गुरु पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है। कहती है वैकुंठ से नारायण का चरण तुलसी और चंदन की ये खुशबू बल्कि चरण तुलसी में इतने खुशबू है वो कितने खुशबू नहीं होंगे ये कितने अच्छे नहीं होंगे बोले हाँ बच्चों बड़े सुंदर हैं हैं बोले पिताजी उनका दर्शन करने के लिए जाए ले जाओ जरूर दर्शन करके आओ क्यों ब्रह्मा जी को ये पता था ब्रह्मा जी पहले दुखी थे बोले कहाँ इनको हमने जन्म दिया कहाँ प्रेमानंद को आस्वादन करने के लिए पता नहीं ये क्या ब्रह्मानंद में दिन भर ध्यान में ब्रह्मानंद में ये डूबे रहते वो दुखी थे लेकिन जब उन्होंने बोले वैकुंठ जाएंगे बोले जाओ जरूर दर्शन करो बोले क्यों कारण क्या बोले उनको पता है बोले इन्हें ही बिल्लो का अति हर्षिता बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इसलिए पहले जनक महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी थे हैं लेकिन जब राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में आए जब उन्होंने राम लक्ष्मण को दर्शन किया ना बस दर्शन करते ही इन्हें ही बिल्लो का अति हर्षिता उनको दर्शन मात्र से ही कहते बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा ये ब्रह्म सुख को त्याग देना नहीं पड़ा वो अपनी आप ही हृदय से खत्म हो गया वो राम रूप में डूब गए वो समझ गए ये राम ब्रह्म नहीं ये राम कौन है
अरे राम परम ब्रह्म, ये राम परम ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले अभी दर्शन करेंगे ना नारायण को। बस नारायण को दर्शन करके ही कहते कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु। कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक बूंद का बराबर नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी खुश हुए, बोले बेटा जाओ दर्शन करके आओ। बाप जब नारायण का दर्शन किया ना, दर्शन करते ही अपने आप सारे ब्रह्म सुख खत्म हो गया। फिर उन्होंने प्रभु की लीला में ही भक्ति में ही डूब गए। इसलिए कहते हैं जो साधु की मुक्ति है, भक्त लोग साधु की मुक्ति नहीं लेते, लेकिन और भी चार तरह का मुक्ति है। क्या क्या? सालोक्य, साष्टी, सारुक्य और सामिप्य। कहते ये और चार तरह का मुक्ति है। सालोक्य मतलब उनका लोक में निवास करना, साष्टी मतलब उनके बराबर ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारुक्य मतलब उनका जैसे रूप, सालोक्य और सामिप्य निकट में रहना, और इसलिए ये चार तरह जो कहते इसको भक्त लोग कभी भी ग्रहण कर लेते हैं, इसको भक्त लोग कभी भी इसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि कहते हमें ये भी हमें नहीं चाहिए है? और उसको ऊपर जो वैकुंठ का जो सुख है वो वैकुंठ सुख भी हमें नहीं चाहिए। बोले भैया फिर और क्या चाहिए? यहाँ तक भी कहते हैं हमें जो श्रवण कीर्तन का जो भक्ति है, ये श्रवण कीर्तन का भक्ति का भी फल हमें नहीं चाहिए। बोले श्रवण कीर्तन का भक्ति, ये तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब उनको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे गुरुजी तुमको क्या पढ़ाया, उससे जो उत्तम विद्या उसको बोलो क्या गुरुजी तुमको पढ़ाया, वो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये धीतमुतम। प्रहलाद स्वयं कहते हैं भगवान के चरण में पहले गुरु जी के चरण में शरणागत होकर के हैं, ये जो व्यक्ति ये नवविद्या भक्ति को जो जाजन करते हैं, अगर अध्या मतलब एक, बोले नौ नहीं, अगर उसका एक भक्ति को अगर कोई निष्ठा पूर्वक कृष्ण प्रेम उपजय, निष्ठा है तो उपजय कृष्ण प्रेम तरंग, अगर निष्ठा पूर्वक एक भक्ति का अंग अगर कोई जाजन कर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाए। श्रवण में श्री परीक्षित महाराज, कीर्तन में व्यासती, स्मरण में प्रहलाद, उसके बाद पाद समन में लक्ष्मी, दास्य में हनुमान, और क्या आत्मनिवेदन में बलि महाराज, अर्जुन, सख्य, इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति को उन लोगों ने जागरण किया, और एक एक भक्ति जागरण करते हुए उन्हें भगवत प्राप्ति हो गया। ये कहते इसका फल भी हमने क्या? बोले फिर भैया क्या कहे? कहते इसको बहुत नवविद्या भक्ति को बहुत बहुत इसकी महात्म है, फिर तुमको चाहिए क्या? फिर उन्होंने कहा देखो प्रभु जी कहता नाम गुरुदेव यहाँ पर उदाहरण देते उन्होंने क्यों उसको नहीं चाहते। इसलिए कहते ये भक्ति दो तरह का, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति है, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति। भक्ति दो तरह का है। कहते हैं हम कौन सा भक्ति चाहिए? आपका जो बाल गोपाल का जो स्वरूप है हर समय हमारे हृदय में, जो ब्रज में जो आप लीला करते हो माँ के प्रेम में बसता को स्वीकार करते हुए, वह अपने जो इस प्रेम को जो संपूर्ण जो वशीभूत हो गए, वो जो बाल गोपाल रूप हमारे हृदय में हर समय प्रकाशित रहे। तो उन्होंने ये नवविद्या भक्ति को उन्होंने क्यों नहीं चाहिए, कारण क्या बताया? बोले मैं नहीं संग। अगर वैद्य भक्तों का संग अगर हम करेंगे, इसलिए गुरुदेव लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई, गुरुदेव बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, मैं नहीं जैसे संघ को साथ में जैसे करोगे। इसलिए कहते तन नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनानो क्रमेण मनसा निजज्ञ ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिल इति उपदेश सार। गुरुदेव यह उदाहरण देते हैं,
जो मैन है तदानुरागी जनानुगामी। कैसे भक्तों का हमें संग करनी चाहिए? ब्रज रस में जो डूबे हुए जो भक्त हैं, ब्रज रस रसी, अगर ऐसे भक्तों को साथ में अगर ये श्रवण कीर्तन आदि करेंगे, फिर वो भक्ति हमें कहाँ तक ले जाएगा? हमें ये ब्रज तक ले जाएगा। है अगर वैदिक भक्त तो गुरुदेव उसमें उदाहरण देते हैं, जिस समय जगन्नाथ पुरी में श्री प्रद्युम्न मिश्र जब उन्होंने हरि कथा सुनने के लिए आए, है जब उन्होंने हरि कथा सुनने के लिए महाप्रभु के पास में आए, तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं, वहां पर हरिदास ठाकुर भी तो थे, लेकिन वहां पर राय रामानंद स्वरूप दामोदर ये सब के सब थे, लेकिन वहां पर हरिदास ठाकुर भी तो थे वहां पर, लेकिन उन्होंने ये हरिदास ठाकुर वो जो तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, जब वो तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, फिर उनको उनको पास में तो भेजा नहीं, उनको किसको पास में भेज दिया? उन्होंने बोले जाओ राय रामानंद को पास में जाओ कथा सुनने के लिए, राय रामानंद को पास में जाओ। उन्होंने फिर कहते राय रामानंद को पास में क्यों भेजा? हरिदास ठाकुर तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, और बोले कारण है, कहते वो कौन है? कहते ये ब्रह्मा और प्रह्लाद दोनों मिल करके किए हैं। ब्रह्मा जी का भक्ति क्या है? उनको भी दास्य रस का भक्ति, प्रह्लाद का भक्ति को ज्ञानी भक्त है, इसलिए उन्होंने श्री स्वरूप दामोदर को पास में ही क्यों भेजे? बोले कारण है, तो गुरुदेव यहाँ पर बहुत सारे श्लोक गुरुदेव यहाँ पर कोटेशन करते हैं, हमें कैसे भक्तों का संग करनी चाहिए, फिर हमें वो ब्रज भक्ति प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव यहाँ पर बहुत बहुत श्लोकों को कोटेशन करते हुए इसकी रहस्य को बताते हैं, इसलिए गुरुदेव क्या बताते हैं, कल हम लोग इसको सुनेंगे। अभी हमारे रामचंद्र प्रभु जी, संजय प्रभु बोला था ऊपर गए, अभी श्री रामचंद्र प्रभु कुछ बताए अवधि, यानी
साई की मुक्ति हटा दो तो अवधि क्या है, वैकुंठ में जाना वो नहीं चाहिए। अवधि में भी दो बातें बता दी कि वो सुख ऐश्वर्य परा और सेवा प्रेम सेवा परा। तो प्रेम सेवा वाली ये वैकुंठ में भी दो तरह के इसके मतलब भक्त रहते हैं। एक भक्त हैं जो खाली स्तव स्तुति करते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, और एक वो हैं जो कुछ काम करते हैं, जैसे जय विजय थे ना तो सेवा कर रहे थे, उस तरह के हो गए। तो एक बार गुरुदेव मुझको बोले इन चीजों को भक्ति के लिए सेवा करना, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे तो लगता है मैं तो मुक्ति कामी हूँ। बोलते क्यों? मैंने कहा मैंने बचपन से एक लाइन लिखी हुई थी, मेरा तो दिल करता है सच्ची लगन से पूरी मेहनत से बस कुछ ना करो। मैंने कहा मेरा तो ये स्थिति है कि मेरा तो दिल करता है कि सच्ची लगन से और पूरी मेहनत से बस कुछ ना करो, तो ये तो मुक्ति कामी है। तो वो अब ये कह रहे हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, अब मेरे जैसा कहाँ जाने जाता है। फिर उसके बाद बोला ना चाहने अन्य अन्य भी चीज नहीं चाहिए भाई, अन्य में हो गई नवदा भक्ति। महाराज जी ने बताया तो गुरुदेव की लाइन में कोट करो, नवदा भक्ति कहाँ ले जाती है हमको? तो वो दो तरह की हो गई, अगर वैधी है तो बैकुंठ ले जाएगी, और रागानुगा है तो वो ब्रज में ले जाएगी। तो ना चाहने अन्य भी नहीं चाहिए, तो बोलते मुझे वो वैधी भक्ति नहीं चाहिए नवदा वाली जिससे मुझको ब्रज नाम मिले। तो हरि नाम कीर्तन करने से बड़ा आनंद आता है, ये एक सुख मिल गया। अयोध्या मिल सकती है, राम की दासत्व मिल सकता है, ये बैकुंठ से ऊपर हो गई अन्य में आ जाएगी, या द्वारका मिल सकता है, कृष्ण भी मिल गए तो कहाँ मिल गए? द्वारका में कृष्ण मिल गए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मुझको? ये जो रूप है ना ये वाला, अब ये कहाँ मिलेगा? ये तो ब्रज में ही मिल सकता है ना, तो फिर कहाँ जाना चाहिए मुझको? कहाँ पे जाना चाहते हैं वो? ब्रज में, और ब्रज में रागानुगा के बिना जाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है सत्यव्रत ऋषि हमें अपने इस दामोदर अष्टकम में प्रेरणा दे रहे हैं, कौन सी भक्ति की? रागानुगा भक्ति। क्या ये तो बात हो गई, मैं वास्तव में तैयारी कर रहा था, कल मैंने एक बात बतला रहा था ना, तो मैं आज ग्रंथ ही उठा रहा हूँ, हनुमान जी की तरह उनसे कहा था कि वो लेके आओ संजीवनी बूटी, तो बूटी लाने के बजाय क्या ले आए? पर्वती उठा लाए, तो मैं ग्रंथी उठा लाया हूँ और उसको मैं पढ़ दूंगा। और बात चर्चा चल रही है, कल मैंने बतलाई थी कि छोटी छोटी गोपियां कात्यायनी का व्रत रखती हैं और उनकी क्या अवस्था है। तो इसमें भाव प्रकाश का वृत्ति में मुझे बार बार महाराज जी की याद आती है, पूज्य भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी की, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आचार्यों की टीका, ये जो भाव प्रकाशी का टीका इसमें कई जगह गुरुदेव के बताए हुए लेक्चरों में से वो उतारा है। ऐसे ही अभी गोकुल चंद प्रभु जी भी चैतन्य चरितामृत में एक ऐसी टीका डाल रहे हैं, उसमें भी गुरुदेव का है और अन्य अन्य आचार्यों का है, तो सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। पर्वत में से अपने आप वो वाली बूटी निकाल लेंगे, कौन सी बूटी? संजीवनी बूटी निकाल लेंगे। इतनी सारी गोपियां कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले। श्री कृष्ण को पति
या यूं कहे उपपति के रूप में पाने के लिए बोला और कहा इस मंत्र का उच्चारण करो। क्या? कात्यानी महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरु ते नमः। ये सिद्ध मंत्र है, इसका उपदेश दिया और इन गोप कुमारियों ने वृंदा जी के आदेश पर, अब देखो क्या बोल रही है, पूरे विश्वास के साथ। फल कब मिलता है? विश्वास बहुत जरूरी है। हम लोग मंत्र जाप तो करते हैं पर अभी विश्वास नहीं है। जब विश्वास होता है तो होश भी होता है, फिर हम जाप करते हैं तो उस मंत्र के अर्थ और उस मंत्र की बातों को ध्यान में रखते हुए जाप करते हैं, वो होश है। एक आदमी ने कहा कि मैं हमेशा होश में रहना चाहता हूँ, ठीक है, यही मेरी भक्ति है, होश में रहना चाहता हूँ। तो एक बार उसके मुंह पे मक्खी बैठ गई, वो बातें कर रहा था तो उसने ऐसे करके उड़ा दी मक्खी। फिर सोचा यार मक्खी तो उड़ाई पर होश नहीं था उस समय, मुझे वो तो लगी थी, मैंने ऐसे उड़ा दी। मैंने तो सोचा, क्या सोचा है, कि होश में रहना है। फिर उसने ऐसे किया, अब की मक्खी नहीं थी, फिर उसने ऐसे किया तो किसने पूछा कि अब आपने ऐसे क्यों किया, वो तब मैंने होश में किया, मैंने कैसे किया, मैंने बिना होश के किया। तो जब हम भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और विश्वास होता है तो कैसे करते हैं, होश से करते हैं। इस मत को मंत्र को जाप किया, इस मंत्र के पद पद में देखो कितनी जबरदस्त बात है, उसका प्रभाव होगा अगर होश से करेंगे। इस मंत्र के पद पद में कृष्ण प्राप्ति की व्याकुलता है, कृष्ण प्राप्ति की व्याकुलता है। वो नंद गोप सुत मेरा क्या बने पति, तो इसमें पग पग पर कृष्ण प्राप्ति की व्याकुलता है और कात्यानी देवी का स्वरूप तत्व है जिसकी हम अर्चना कर रहे हैं, वो हमें क्या दे सकता है। जैसे हम लोग भी वृंदा देवी की कभी करते हैं, कभी यमुना जी की करते हैं, कभी ललिता जी की करते हैं, कभी गिरिराज गोवर्धन की गाते हैं, वो हमें दे सकते भी हैं कि नहीं कुछ। अगर हम उनके स्वरूप को जान के करते हैं तो उसका बहुत असर हो जाता है। अब यहाँ स्वरूप दिखला रहे हैं कात्यायनी, हे देवी कात्यायनी महामुनि कात्यायन ने, ये कात्यायनी आई कहां से, एक ऋषि थे उनका क्या नाम था, कात्यायन। हे देवी कात्यायनी महामुनि कात्यायन ने पहली आपकी पूजा की थी, अर्चना की थी और आपकी महिमा का प्रकाश किया, तभी से आपका नाम क्या हो गया, कात्यायनी हो गया। हम तो बालिकाएं थे, बालिकाएं थी, वाकई वो बालिकाएं थी। पहले मैं बड़ा हैरानगी करता था ये कैसे हो सकता है, लेकिन इन बालिकाओं के ही महिमा बढ़ती चली आ रही है। और सर्वशक्तिहीना है और एकमात्र आपकी शक्ति का आश्रय ग्रहण करके आपकी हम पूजा कर रही हैं। वैसे ही हम निराश्रय हैं, निस्सहाय हैं, आप सेवक पालिका हैं, अपनी सेवक को क्या करते हो, पालती। अतः आप कृपा करके अवश्य ही हमारी मनो अभिलाषा को पूर्ण करेंगी, हम आपकी ज्ञानहीना बालिकाएं, हम आपकी ज्ञानहीना बालिकाएं। अपने को क्षुद्र नहीं समझेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। यद्यपि हम आयु में बालिका हैं और कृष्ण का अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, और सुनना इस बात को, बड़ी गौर की चीज है, इसके अनुसार अभी उनके साथ हमारा विवाह तो हो ही नहीं सकता है और हम मांग क्या रही हैं कि वो हमारे पति बन जाए, तो ये संभव ही नहीं है। तो फिर हम आपके चरणों के शरणागत होके आई हैं, आप भगवान की अघटन घटन पटियसी शक्ति हैं, अतएव आपकी कृपा से जो कार्य असंभव है वो भी संभव हो सकता है। तो आपके प्रभाव से हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और ब्रज के सब नर नारी मोहित हो सकते हैं,
तो मोहित होकर उनसे ये ना कहो कि इनकी शादी करा दो कृष्ण से, तो क्या कहो सुनो, उनको ऐसा मोहित करो कि हमारा गुप्त रूप से कृष्ण से संबंध करा दो, उन्हें पता ही ना चले। देखो क्या मांग कर रही है कि गुप्त रूप से विवाह संबंध वो जान ही ना सके और कृष्ण के साथ हमारा मिलन बेरोक टोक हो जाए, प्रतिबंध के बिना हो जाए। हे महामाया, आपके महाप्रभाव से तो सारे ब्रह्मांड ही मोहित हो रहे हैं, आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकती हैं। क्या आप हमें कृपा से ब्रजराज नंदन को पति यानी उपपति के रूप में कृतार्थ करके नहीं दे सकती? आप तो महाविष्णु की महाशक्ति हैं, अतएव आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हे महायोगिनी, आपके प्रभाव से, फिर सुनो, हमारे माता पिता आदि गुरु एवं श्री कृष्ण के भी माता पिता कृष्ण के साथ हमारा विवाह कराने की अनुमति दे सकते हैं। आप ये कार्य कर सकती हो, परंतु अगर ऐसा हुआ, अनुमति वाला कार्यक्रम हुआ, तो बड़ी देर लग जाएगी। वो भी माने हमारे माता पिता, ये भी माने कृष्ण के माता पिता, फिर सगाई हो, फिर ये हो, विवाह हो, बड़ी देर लग जाएगी, विलंब, और हम सहन नहीं कर सकते। हम सहन नहीं कर सकती हैं, हम सहन करने में असमर्थ हैं। कृष्ण की प्राप्ति के लिए असहनीय चाहत होनी पड़ेगी। इसलिए हे महायोगिनी, आपकी कृपा होने से हमारा अभी विवाह की बात कर तो रही है, पर बैंड बाजे वाले बैंड विवाह की बात नहीं करते। कौन सा विवाह? अभी अभी कृष्ण के साथ संयोग हो सकता है। संसार में ये देखा गया है, योग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति के साथ संग हो जाता है। लड़का योग्य है, लड़की योग्य है, उनका रिश्ता हो जाता है। योग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति के साथ तो योग हो जाता है, मिलन हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। वो योग्य है और हम अयोग्य। वो योग्य कौन है? कृष्ण योग्य है, हम अयोग्य हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है। तो ये मैंने इसलिए ये कह रहा था कि गुरुदेव को बात कही कि मेरे में एक दिन बोला मैंने गुरुदेव को कि मैं आपके सारी टीम में एकदम नलायक शिष्य। तो गुरुदेव कह रहे हैं हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी परेशान था, कई सालों से एक नलायक को खोज रहा था, तो मिल गया मुझे। ऐसी बात, एक नलायक को खोज रहा था ह्यूस्टन में। गुरुदेव 3 बजे के करीब दोपहर को उठ जाते थे, तो मैं ना सोया नहीं कि 3 बजे उठ जाएंगे, बाहर निकलेंगे कमरे से तो मिलूंगा। बाकी सब लोग सो रहे थे, तो मैं जैसे गुरुदेव ने कमरा खोला और मैं दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। बोलते चलो बाहर जरा थोड़ा सा टहल लें। मैंने कहा हाँ जी, मैं तो जैसे चाहत वाली मुराद पूरी हो गई। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा 1 मिनट रुक जा। वो अंदर गए तो अंदर अपनी चादर ओढ़ के जो सो रहे थे ना उसको तय करने लगे, और अपना एक स्वेटर था वो भी तय करने लगे। मैंने कहा दो मुझे गुरुदेव, मैं करता हूँ। बोलते नहीं नहीं नहीं, कलावती होती तो उसको दे देता, तेरे का बस की ये बातें नहीं है। यानी वो मेरे को कितना नलायक समझते थे समझ लो, कि अगर चादर भी तय करनी है तो खुद कर लेते, मेरे को नहीं दी उन्होंने, और फिर चले बाहर। तो वो कह रही हैं कि हम अयोग्य हैं और कृष्ण के साथ हम संयोग जाती हैं, इसलिए हम आप जैसी महायोगिनी की शरणागत हो रही हैं, जिससे हमारे अयोग्य होने पर भी हम कृष्ण के साथ संयोग प्राप्त कर सके, वंचित ना हो जाए अयोग्यता के कारण। ये वर्ड डाल रही, वंचित ना हो जाए अयोग्यता के कारण। हे अधीश्वरी, नाम बोला ना उन्होंने, ईश्वरी अधीश्वरी बोला। हम कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए प्रगाढ़ लालसा से अभिभूत हैं, आपके चरणों में शरणागत हो रही हैं। आप हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण कर दें। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जिसकी शरणागत होने पर दुष्टर से दुष्टर कार्य ना हो सके? और इस समय दुष्टर कार्य क्या है?
कृष्ण से मिलना, कृष्ण विरह सिंधु को हम पार कर सकें। एक समुंदर है हमारे सामने, किसका समुंदर है? विरह का, कृष्ण विरह का समुंदर। आप परमेश्वरी हैं, आप हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे तो बोलो और कौन है जो हमारी अभिलाषा पूर्ण करे? हम किसके पास जाएं? देखो ये स्वरूप है किसका? कात्यायनी देव। इस तरह से वो समझ कर कात्यायनी देव से प्रार्थना करें। किंतु आप यदि कृपा करें तो संभव हो सकता है कि कृष्ण हमें मिले। तो आप ये कह सकती है कि ये मेरे संग ही लुज्जत क्यों कर रही हो, सीधी कृष्ण के पास चली जाओ ना। तो कृष्ण कोई यहां से दूर थोड़ी है, कृष्ण के पास चली जाओ, उनसे प्रार्थना करो तो काम बन जाएगा। तो देखो कितनी प्यारी बात होती है। अतः हम आपको क्या बतलाएं, अगर स्त्रियां पुरुष के पास सीधा जाके प्रार्थना कर ले तो वो निर्लज कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्लज कहलाती है। इस तरह के मिलन में रस नहीं आता। आजकल प्रपोजल की बड़ी डिमांड रहती है ना, प्रपोज किया उन्होंने, प्रपोज किया बोलते। अगर स्त्रियां प्रपोज करती हैं तो उस प्रेम में क्या नहीं आता? रस नहीं आता। माँ बाप से हम प्रपोज करवाना नहीं चाहती हैं क्योंकि अगर वो करेंगे तो लंबा काम हो जाएगा। अब आप हमारे लिए प्रपोज करो तो ये काम झटपट हो जाए। अतः आप ही मध्यस्थ होकर श्री कृष्ण के साथ हमारा मिलन करवा दीजिए और हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। अर्थात श्री कृष्ण को हम देवपति के रूप में चाहते हैं। देव का मतलब होता है जो क्रीड़ा करता है। पति तो हमेशा हुकुम चलाता है, हमें हुकुम चलाने वाला पति नहीं चाहिए। कैसा पति चाहिए? जो क्रीड़ा करता हो, क्रीड़ा विहार आदि युक्त पति हो। हमारे माता पिता एवं ब्रज में का कोई भी व्यक्ति हमें इस परम गोपनीय विषय को वो जान ना पाए, ऐसा हमारा मिलन करा। आप महामाया का विस्तार कर सबकी दृष्टि को इस प्रकार से आच्छादित कर दें कि श्री कृष्ण के साथ हमारे स्वच्छंद विहार में कोई बाधा ना हो। आप अघटन घटन पटयसी, अघटन घटन पटयसी, इसका मतलब समझते हो ना? अघटन जो घटित नहीं हो सकता और घटन उसे घटित कर दो, ऐसी ताकत बनी हो। महाशक्ति स्वरूपणी महामाया, हम आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करती हैं और ते नमः लास्ट में है ना, ते नमः, नमः एक बार नहीं, कोटि कोटि हम आपको प्रणाम करती हैं। आप हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। देखिए हमारी हालत ऐसे खराब है, ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की लालसा में गोप कुमारियां इतनी व्याकुल हो गई कि जिससे विवाह करना है उसका नाम नहीं लेते। तो अब प्रार्थना भी कर दी है, नाम भी नहीं लेना, तो कृष्ण तो बोला नहीं, तो क्या बोला है? नंद गोप सुत्र। तो नंद कौन है? नंद। तो अगर कृष्ण पति है तो नंद बाबा कौन है? तो सुसुर, तो सुसुर का नाम लेना चाहिए है? सुसुर का नाम भी नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों बोला? तो कृष्ण का नाम भी ले सकती थी। तो यहाँ उन्होंने बड़ा सुंदर एक वर्णन किया है कि अगर वो कहें कि कृष्ण हमारा पति हो, तो कई लोगों के नाम कृष्ण है, जैसे द्विज कृष्ण, स्तोभ कृष्ण, तो किसी से भी हमारी नाम विवाह कर दे, ऊट बना कर हमने प्रार्थना कुछ की और मिल कोई गया, तो कृष्ण बहुत है। तो दूसरे किसी व्यक्ति को ना समझ ले, इसलिए इस आशंका को दूर करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन कौन? नंद गो सुध, उससे हमारा विवाह कर दो। गौर प्रेमानंद, ठीक है तैयारी? अच्छा।